बहुत बड़ो नुकसान जो है वो ये ढाणी ने ये परिवार ने है सुरक्षा साधन करो ही जाए तो लोग आन जान व सुरक्षा साधन करना ही चाहे ठीक है। चोट लगी उनके पसलियों में और दिमाग में, इस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत नुकसान हुआ है, घर ही बंद हो गए एक तरह से। राम राम जी, अभी आप मौजूद हाँ राजीव नगर के अंदर जो कोई कॉलोनी है मणकसास भी अलग ग्राम पंचायत, मोस्टली जगह लोग अभी उरे का ही आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से लोग उरे इकट्ठा ही और एक बहुत बड़ो नुकसान जो है वो ये ढाणी ने ये परिवार ने है भी को कोई क्षतिपूर्ति बिल्कुल हो कौन सके लोगों से बातचीत कराँगा। मैंने बताओ कि सबसे पहले तो कितना लोग उरे से गया के प्रोग्राम हो बड़े बैठे कोई मनसा में कोई धार्मिक कार्यक्रम था भी मैं देख शामिल हो बगले गया था, रास्ते आ रहे थे फिर पीछे से एक ट्रैक्टर ने आकर के उनको पीछे से कोई ट्रैक्टर टकराया फिर किए अपना भी अनियंत्रित हो गए वो अनियंत्रित होकर आ रहा था और पैदल चल रहे थे उसमें टकरा गए। नहीं तो मतलब बता रहे हैं ट्रैक्टर के अंदर हाल लोग बनकी भी काफी डर हुई अंदर भी होंगे पता नहीं नीचे भी थे अंदर भी थे काफी लोगों का तो जो कहा था मतलब ट्रैक्टर में नीचे हाँ करने मतलब हाँ नीचे थे वो नीचे थे नीचे चल रहे थे ट्रैक्टर के टकराने की वजह से उनकी डेथ हुई। हाँ टकराने से वो भी नीचे गिर गए टकराने से उनकी डेथ हो गई। लगभग जहाँ कितने बजे को टाइम हो ये तो पता नहीं, हमें तो 5:30 बजे पता लगा, हमें वहाँ पता नहीं, हम तो यहाँ फोन वगैरह आए था पता लगा बड़े जहाँ नेटवर्क वगैरह भी मैं भी जहाँ बढ़ जा के आया तो नेटवर्क वगैरह बहुत बड़े कम है, नेटवर्क वगैरह कम है ही नहीं बिल्कुल। अभी की भी बार भी समस्या होगी जहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई और हो जाए तो एम्बुलेंस तो बुलाना और हो है तो वह समस्या हुआ है तो एक चीज़ तो एक अंदर यह होगा कि भाई प्रशासन है और अब कोई टावर वगैरह की व्यवस्था बड़ी होनी चाहिए। साथ में जाए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से एक आवाज़ भी उठाई कि मोड़ में कम से कम जड़े जी सिर्फ खाई है कोई बैरिकेड वगैरह कुछ जाली वगैरह लगाई जाए सुरक्षा साधन करो ही जाए तो लोग आन जान व सुरक्षा साधन करना ही चाहे। कितना के लोग गया उसे 25-30 आदमी गया और मैंने तो जहाँ थे बाद में थे बड़े गया या फिर जहाँ कोई मैंने हॉस्पिटल हॉस्पिटल में लेने के पहुँचने के बाद में हमें तो पता लगा था हमारा कोई आदमी था ही नहीं, वो तो घायल थे सारे, हमें तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में अब भी सबको देख ही नहीं पाए हम, कुछ तो झुंझुनू हैं सीकर हैं कुछ सीरी जयपुर भी हैं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें पूरा अभी पता ही नहीं है कि हालत क्या है। नहीं जाए बठे जब भी जाए मैं लोगों से पूछताछ करी तो उनको खड़ो कि 3-4 जगह आदमी है औरत जगह है बन की बठे डेथ होगी आज टोटल शाम तक हुई अभी भी के बाद में भी कोई और कोई नुकसान होगी नहीं अब तक 8 डेथ हो चुकी है। ये परिवार से कितना के लोग 6 नहीं एक ही परिवार से जगह पे 6 लोग हैं तो मैंने बताऊँ कि भी आदमी जगह गया ही ओबियसली बात है कि आदमी वापस कुन्यास की लेकिन कोई सहायता की कोई मुआवजे की कोई बातचीत कोई हुई है अभी तक तो कोई वही को ना सरकार से मदद मिली अच्छी बात है आगे परिवार खड़े हो बाकर ले सपोर्ट हो जाए सरकार मदद करे अच्छी बात है करनी चाहिए। जहाँ ई परिवार में जहाँ 6 लोग आते जहाँ कौन कौन हटा बरहा के साथ ये 2 भाइयों की संतान है, एक में तो 2 पुत्र वधु और एक पौत्र वधु और एक पोती। राम राम जी। राम राम जी। मैंने तो कि ये परिवार ने जो नुकसान हुआ है भी कि भरपाई तो कौन है उसका एक साथ में आप बता कि 5-6 जगह डेड बॉडी आई बाकी का जो लोग हैं इकट्ठे बढ़ते हैं कि 7 लोग जयपुर एडमिट है। अच्छा उनमें से 2 की सीरियस हालत है कोमा में है अभी तुरंत बात हुई है अभी ऑपरेशन होगा उनका। ठीक है चोट लगी उनके पसलियों में और दिमाग में। कोई आदमी है वो मौजूद भी होगी था जाए कोई उससे बातचीत होगी भाई जो ट्रैक्टर के अंदर हो वो का चोट वगैरह को नहीं वो थाने एग्जैक्ट बताई होगी एक्जैक्ट हुई हो क्यों बड़ी अँ का कोई बात को नहीं आपने घायल हाथ का मतलब होश में ही बांस से कोई हुई है नहीं बांस से कौन हुई क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में 8 बजे पहुंचे थे अभी तक कोई सहायता की कोई अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। देखो जो गए हो वो नहीं होना चाहिए हो नहीं और नहीं होना चाहिए लेकिन होगो भी कोई इलाज को नहीं लेकिन के भी कोई मुआवजा वगैरह होना चाहिए। देखो इस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत नुकसान हुआ है घर ही बंद हो गए एक तरह से, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा कुछ सहायता मिल जाए जो परिवार है उसको नौकरी की घोषणा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। देखो तो सबको ये कहना है कि जो कि नुकसान होगो भी की भरपाई को नहीं उसका अपन बेरो की जो गयो वो आ कौन सके लेकिन जो बचगा ही बन की किसी भी तरह की जो कि मदद बन की हो सके वह होनी बहुत जरूरी है ताकि वो परिवार जो वो संभल सके। नुकसान बहुत ज़्यादा है हमारी टीम की तरफ से भी जलको झुनू की पूरी टीम की तरफ से ये परिवार ने जो वो संवेदना ही। राम राम।